नौतपा शुरू होने वाला है, ऐसे में आज हम आपको बताते हैं क्या होता है नौतपा और नौतपा में आपको क्या नहीं करना है। आपको बता दें, नौतपा तब होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। यह हर साल आता है और इस दौरान 9 दिनों तक सूर्य देव उग्र रूप में रहते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। हर साल की तरह इस बार भी नौतपा आने वाला है, इसलिए पहले से ही गर्मी से बचाव के लिए आपको सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है नौतपा। नौतपा शुरू होने वाला है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जो ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है तब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जो हर साल 25 मई से 2 जून तक रहती है। इस बार भी सूर्य 25 मई की सुबह 3:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 जून तक यहीं रहेंगे। 2 जून के बाद यह मार्गशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जितने दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, पृथ्वी भी उतने ही दिनों तक अत्यधिक गर्मी का अनुभव करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्मी का मौसम 9 दिनों तक रहता है, यानी पृथ्वी पर लोगों को 9 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। नौतपा में कुछ बातों का बेहद ध्यान रखा जाता है। जैसे यदि आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो नौतपा के दौरान रोजाना सुबह सूर्य देव की आराधना करें और अर्घ दें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। नौतपा को सेहत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान गर्म लू से बचने के लिए आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आप ठंडी चीजों का सेवन करें। आपको बता दें कि नौतपा के दौरान अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं या सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो इसका दुगना लाभ आपको इस समय मिलता है। नौतपा के दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही समाज में सम्मान भी बढ़ता है। इसलिए वैसे तो आपको हमेशा सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, लेकिन ये 9 दिन बेहद खास माने गए हैं। इन 9 दिनों में आप सूर्यदेव को देना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।